न करते शोर शराबा तो और क्या करते, न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तेरे शहर में हमें कोई काम काज थे। तो आज काम काज की बातें नहीं करेंगे, आज बातें करेंगे जो पसंद है, आज पसंद की बात करेंगे फिल्मों के ऊपर, आज बात करेंगे पांच ऐसी फिल्मों के ऊपर जो बहुत ही अलग है। आपने नॉर्मल बहुत सारी फिल्में देखी होंगी ना, लेकिन एक फिल्म स्टार्ट होती है, फिल्म एंड होती है, बीच में कहानी चलती है, लेकिन ये जो फिल्म है ना जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, ये बहुत अनयूजुअल है, विचित्र फिल्में हैं ये, इनको ना बहुत अलग तरीके से डायरेक्टर ने बनाया है और बहुत मुश्किल फिल्में हैं बनाने के लिए। तो बिना वक्त वेस्ट किया हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। चलिए शुरू करेंगे। तो रोशोमन, ये 1950 में एक फिल्म आई थी, और अकीरा कुरिसावा, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत ही फेमस जापान के डायरेक्टर हैं, उनकी ये फिल्म थी। अकीरा कुरिसावा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेवन समुराइज फिल्म बनाई थी, जिसमें भारत में शोले बनी थी, ठीक है। रोशोमन की कहानी है एक बैंडिट की, यानी कि एक डकैत की जो जंगल में सोया हुआ है, उस जंगल से एक हस्बैंड वाइफ निकलते हैं, वहाँ ये बैंडिट, ये जो डकैत है, वो महिला के साथ अत्याचार करता है और उसके हस्बैंड का मर्डर कर देता है, और ये सब होते हुए दूर से एक लकड़हारा देख रहा है, ठीक है। ब्यूटी ये है कि अगले दिन ये बैंडिट पकड़ा जाता है, ये लकड़हारा पकड़ा जाता है, और अब गवाही चल रही है, गवाही देंगे चार लोग कि क्या हुआ था। तो डकैत अपना वर्जन सुनाता है, डकैत को ऑलरेडी मृत्युदंड मिल चुका है, तो उसको झूठ बोलने के लिए है नहीं। जो व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसको बुलाया जाता है, उसकी आत्मा को, उससे कहा जाता है, हाँ भाई क्या हुआ तुम बताओ। वाइफ से पूछा जाता है क्या हुआ ये बताओ, और लकड़हारा जो दूर से दिख रहा था उससे पूछा जाता है क्या हुआ ये बताओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चारों का चारों जो वर्जन्स है लोगों का, वो चारों का अलग है। ब्यूटी ये है कि चारों को झूठ बोलने की कोई जरूरत है नहीं, ये फिल्म में वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके रहते हैं, तो फिर ये चारों झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या इनमें से कोई तीन झूठ बोल रहे हैं और एक सत्य बोल रहा है? नहीं, फिल्म बोलती है नहीं। कई बार हमारा सत्य दूसरे के सत्य से अलग होता है, कई बार एक चीज को हर व्यक्ति देखता है लेकिन सबके नजरिए अलग होते हैं। रोशोमन इस मामले में एक बहुत ही नए प्रकार की फिल्म थी, उसने एंडिंग नहीं दी, उसने ये नहीं बताया कि इन चारों में से किसका वर्जन सही था, उसने कहा शायद चारों के वर्जन सही थे। इसने एक शब्द का, एक नया शब्द दिया उसने, रोशोमन इफेक्ट। रोशोमन इफेक्ट का मतलब होता है कि कभी भी एक पर्सपेक्टिव से ज्यादा पर्सपेक्टिव को लेके बात करना, कि एक ही चीज को दो लोग अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। शानदार फिल्म है, थोड़ी सी स्लो है, नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। इस पे हिंदी में एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी इसी प्रकार की, वाया दार्जिलिंग। तो वाया दार्जिलिंग का क्या है, वीडियो मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो देखेगा, अच्छी फिल्म है। दूसरी फिल्म की बात करेंगे, 1985 में आई फिल्म क्लू। ये है थोड़ी सी लाइट फिल्म, है ना, इसमें क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस है, थ्रिलर है, इसमें बहुत बड़ी कास्ट है, और बिल्कुल जो पुराने जमाने की सस्पेंस फिल्में होती थी ना, बहुत सारे मर्डर के, एक एक व्यक्ति का मर्डर हो गया और बहुत सारे लोग हैं जो वो मर्डर कर सकते हैं। इस फिल्म की खासियत क्या है, पुराने जमाने में अमेरिका में एक बोर्ड गेम आया था, जैसे अपने आते ना सांप सीढ़ी लूडो, वैसे वहां क्लू करके एक बोर्ड गेम चलता है, उस पर आधारित ये फिल्म थी। ब्यूटी ये है कि इस फिल्म की तीन एंडिंग्स हैं, जी हाँ साहब, एक एंडिंग नहीं है, तीन एंडिंग्स हैं, तीनों में मर्डरर अलग है, और तीनों बार उन्होंने अपने लॉजिक को एस्टैब्लिश किया है। पहली एंडिंग में ये मर्डरर है, देखो इसके कारण ही, अब देख लो, दूसरी में ये मर्डरर है, देख लो इसके कारण, तीसरी में ये है, देख लो आप इसके कारण। लॉजिकली तीनों एंडिंग्स इनकी ब्यूटीफुल हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी क्लू फिल्म, तो उन्होंने हर थिएटर में एक अलग एंडिंग देने की कोशिश की थी, यानी हर तीनों एंडिंग्स किसी भी थिएटर में नहीं दी गई थी, एक थिएटर में अलग एंडिंग चल रही है, एक थिएटर में अलग चल रही है, और एक में अलग चल रही है। जब फिल्म बनी थी तो उतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में धीरे 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 जो होता है ना, इसका कल्ट फॉलोइंग बढ़ गया। जो चीज़ जैसे आप देखते हैं कि हेरा फेरी जब इंडिया में रिलीज हुई थी तो बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, या अंदाज अपना अपना बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ ना, लोगों ने कहा अरे तो शानदार फिल्म है, तो धीरे धीरे बढ़ गई। अगली फिल्म की हम बात करेंगे पल्प फिक्शन। अरे साहब, पल्प फिक्शन की तो मतलब जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पल्प फिक्शन यानी क्वारंटीन टैरेंटिनो, क्वारंटीन टैरेंटिनो यानी एक अलग ही व्यक्ति, वो फिल्म कभी ढंग से, मतलब सिंपल फिल्म तो वो बनाएगा नहीं। इस फिल्म की मैं आपको पहले स्टारकास्ट दिखाऊंगा, 1994 में यह फिल्म आई थी, आप किसकी स्टारकास्ट देखें साहब, जॉन ट्रावोल्टा, सैमुअल एल जैक्सन, ब्रूस विलिस, विंग रायम्स, उमा थर्मन,
मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकार इन लोगों ने मिलके ये फिल्म बनाई थी। जब ये फिल्म बनी थी तो कई प्रोडक्शन हाउसेज ने फिल्म बनाने से या इसको रिलीज करने से, प्रोडक्शन करने से इनकार कर दिया था। कहा था बहुत ही अजीब फिल्म है साहब, हम नहीं बना रहे। लेकिन फिर उनको एक मिल गया था प्रोड्यूसर। इस फिल्म की खासियत क्या है? इस फिल्म को नॉन लीनियर फिल्म कहा जाता है। नॉन लीनियर यानी इस फिल्म के जो सीन्स हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं आते। पहला सीन अलग चल रहा है, दूसरा सीन अलग चल रहा है, चौथा सीन अलग चल रहा है, समहाउ दे स्टिल मेक सेंस। वो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं फिर भी ये आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ब्यूटी है इसमें, कुछ बड़े ही ब्यूटीफुल डायलॉग्स हैं। सैमुअल एल जैक्सन, जिनको आप निक फ्यूरी के नाम से शायद जानते होंगे, जो अवेंजर फिल्म में आते हैं, उन्होंने बाइबल के कोटेशंस पढ़े हैं साहब। और ब्यूटी है, ये कोटेशन तो सर बाइबल में भी नहीं है। उन्होंने उन कोटेशंस को ऊपर नीचे कर करके पढ़ाया और बड़े ही खतरनाक तरीके से। और कई कोटेशंस तो इनके बड़े फेमस हैं, जैसे आई डेयर यू, आई डबल डेयर यू, बड़ा फेमस डायलॉग है साहब। एक खासियत और है इस फिल्म में, एक खासियत और है, वो है कंसेप्ट होता है मैकगफिन। अगर आपने कभी सुना हो मैकगफिन का मतलब क्या? देखिए स्टोरी फिल्म की है, एक सूटकेस है, उसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं और वो कहानी चल रही है। तो मैकगफिन का एक कंसेप्ट होता है। मैकगफिन का कंसेप्ट कहता है कि किसी भी स्टोरी में, किसी भी फिल्म में एक एलिमेंट लो जिसके पीछे सब लोग पड़े हों। अब मान लीजिए इस केस में एक ब्रीफ केस है, इस ब्रीफ केस के अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ब्रीफ केस होना जरूरी है। और कहानी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और फिल्म के अंत तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो कहानी तो सेम रहेगी। मैकगफिन का कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्यों अपनाया गया इस फिल्म में? इनिशियली फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उस ब्रीफ केस के अंदर हीरे रहें, लेकिन उनकी पिछली फिल्म भी हीरों के ऊपर आधारित थी, तो वो ये नहीं चाहते थे कि चीजें रिपीट हों। तो उन्होंने पूरी फिल्म में क्या किया, जब जब ब्रीफकेस का डब्बा उठता था तो एक लाइट सी आती थी। तो लोगों ने आज तक इसके ऊपर अपने अपने विचार रखे हुए हैं कि हाँ भाई एक्चुअली इसके अंदर था क्या। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है, इस प्रकार की काफी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अगली फिल्म रन लोला रन, 1998 में ये जर्मन फिल्म आई थी। इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी एक लड़की है जिसका नाम ऑब्वियसली लोला है। उसको 1 लाख डॉइश मार्क चाहिए, 20 मिनट के अंदर उसको अपने बॉयफ्रेंड को देना, नहीं तो उसके बॉयफ्रेंड को लोग गोली मार देंगे। इसके पास पैसा नहीं है, यानी 20 मिनट में न केवल इसको वो 1 लाख डॉइश मार्क, जो वहां की करेंसी है, वो प्राप्त करना है, बल्कि उसको अपने बॉयफ्रेंड तक 20 मिनट में पहुंचना है। ये कहानी 3 बार चलती है फिल्म में, ये कहानी 3 बार चलती है। पहली बार वो भागेंगी अपने बॉयफ्रेंड के सामने, उनसे मिलने के लिए एक अलग एंडिंग आएगा, वही कहानी फिर से शुरू होती है। इस बार वो जब जैसी भागती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है किसी कारण से, सेम सीक्वेंसेस हैं लेकिन क्योंकि वो स्लो भाग रही हैं तो कहानी बदल गई साहब। और तीसरे पार्ट में वो थोड़ा सा तेज भागती है किसी कारण से, सेम सीक्वेंसेस हैं लेकिन क्योंकि ये थोड़ा तेज भागी हैं तो पूरे सीक्वेंसेस बदल जाते हैं। देखिएगा ब्यूटीफुल फिल्म है, ऐसी फिल्में बनाना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार की एक दो फिल्में और बनी है, देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप इसका पोस्टर देख पा रहे होंगे, एक में वो स्लो भाग रही हैं, एक में फास्ट भाग रही हैं और एक में मीडियम स्पीड से भाग रही हैं, और तीनों बार फिल्म की स्टोरी चेंज हो रही है। लास्ट फिल्म जिसकी हम बात करेंगे वो है मेमेंटो। मेरे फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है ये, जिसपे एक बहुत ही घटिया हिंदी रीमेक बनाया गया था, गजनी। देखिए गजनी को मैं घटिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने शायद मोमेंटो नहीं देखी। आप मोमेंटो को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर गजनी तो आपको बनानी नहीं चाहिए थी। मेमेंटो की ब्यूटी क्या है? मेमेंटो की ब्यूटी है, एक आदमी है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जो हर 15 मिनट में भूल जाता है कि वो 15 मिनट पहले कहाँ था। कहानी का स्ट्रक्चर समझेंगे, कहानी का स्ट्रक्चर ये है कि फिल्म उल्टी डायरेक्शन में चलती है, यानी फिल्म का जो पहला सीन है वो स्टोरी का एक्चुअली लास्ट सीन है। हर बार सीन कैसे चालू होगा, हीरो खड़ा है कहीं और उसको याद नहीं है वो वहां तक कैसे पहुंचा, और जो दर्शक उसको देख रहा है उसको भी नहीं मालूम कि वो हीरो वहां तक कैसे पहुंचा। 15 मिनट का जो भी सीन कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा चलिए यहां से यहां तक पहुंचा, अगला सीन स्टार्ट होगा, अगेन हीरो कहीं खड़ा होगा, अगेन हीरो भी सोच रहा है वो वहां कैसे पहुंचा क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, और जो उसको दर्शक देख रहे हैं वो भी नहीं जानते वो वहां कैसे पहुंचा क्योंकि उनको नहीं मालूम इससे पहले वो कहां था। 15 मिनट का ये सीक्वेंस जब खत्म होगा तो जो कुछ पुराना सीन है वो शुरू होगा, तो अब एकदम से आप कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा ऐसा हो रहा था। हर सीन में स्टोरी पीछे जाती जाएगी और वहां से आगे जाएगी,
आपको लगेगा शायद ये बोरिंग फिल्म होगी, नहीं सर, ये बोरिंग फिल्म कहीं से नहीं है, एक बेहतरीन फिल्म है। हर बार आप गैस करते रहेंगे कि पहले क्या हुआ था। नॉर्मली फिल्मों में लोग गैस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ आप गैस करेंगे कि पहले क्या हुआ था। शायद इससे बेहतर हिंदी फिल्म, शायद इससे बेहतर अंग्रेजी फिल्में बनी नहीं है। इसको डेफिनेटली बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड मिल चुका है इस फिल्म को, और क्रिस्टोफर नोलन को लॉन्च किया इस फिल्म ने। देखिए इनमें से कोई भी फिल्म है, एंजॉय करिए, आज संडे है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और एंजॉय योर संडे। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे।